चिल्ड्रन वंदे मातरम। आज हम देखेंगे सेकेंड स्टैंडर्ड की मैथ्स में हमने क्या पढ़ा था, हाउ मच कैन यू कैरी, ये हमने चैप्टर 3 पढ़ा था। किसको किसको याद है? हाँ मैम, बहुत इजी था। डोंकी की स्टोरी हमने पढ़ी थी, सीसॉ कैसे होता है, आप ये पेन से भी सीसॉ कर सकते हैं। कैसे? आप रबर पेंसिल यहाँ पे रख सकते हैं और उसके ऊपर ये पेन रख सकते हैं। अगर रबर आपने यहाँ रखा तो पेंसिल ऐसी हो जाएगी, आपको दिखाई दे रहा है? तो ये साइड लंबी हो जाएगी, अगर यहाँ वेट पड़ा तो ये साइड लंबी हो जाएगी। ऐसे करके बच्चों हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं। और राजू नीड्स अ फ्रेंड, उनको फ्रेंड चाहिए था खेलने के लिए। फिर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा बच्चों कि लाइट और हैवी के बीच में समान अर्थ क्या होता है। लाइट मतलब लाइट हो जाएगा तो मैम वो ऊपर चला जाएगा, हैवी होगा तो मैम नीचे रहेगा। तो उससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि कैसे लाइट 1 और 2 में हो सकता है। ये लाइट है तो ये थोड़ा सा इनसे हैवी होगा, तो ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं। तो आपका रिवीजन यहाँ तक हो गया, फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट सेशन का, थर्ड चैप्टर का पार्ट 2। अभी हम वही पार्ट देखेंगे, वही लेसन में हम पार्ट 2 देखेंगे बच्चों। पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक? 21 से लेकर हम देखेंगे 22 और 23। ओके, इसमें हम देखेंगे बच्चों कैसे छोटू मंकी आए थे और वो कैरेट्स के साथ इन्होंने क्या किया। छोटू मंकी एंड कैरेट्स, मिकी एंड मिकी आर रैबिट्स एंड सॉ अ बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। ओ तो यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है, ये है चिकी और ये है मिकी। ओके, तो चिकी मिकी क्या करते हैं, रैबिट्स के पास उन्होंने एक बैग देखी और बैग में बहुत सारे कैरेट्स थे। और आपको पता है रैबिट्स को कैरेट बहुत पसंद होते हैं, हाँ उनके लिए तो सोना होता, उनके लिए अमृत होता है। चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग, आई विल टेक बिगर कैरेट्स, नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। दोनों फाइट करने लगे, नहीं नहीं मैं तो बड़ा हूँ मैं ज़्यादा लूँगा, वो बोले नहीं नहीं मैं बड़ा हूँ मैं ज़्यादा लूँगा। अब ये सब बातें मंकी देख रहे थे जो पास ही में सो रहे थे। आप देख रहे हो ये पिक्चर में, ये पास ही में सो रहे थे और ये आई विल टेक कर रहे थे और ये देख रहे थे। अब इनको आइडिया आया, यू वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वल बिटवीन अस, कैन आई हेल्प यू, बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल, व्हाट टू डू। मोटू एंड मंकी वॉट समथिंग टू देम, तो क्या करें अब, कुछ तो वो लेके आए, कैसे लेके आए? तो आप मुझे बताइए कि मंकी थे वो तेज थे आपकी तरह, तो आप बताइए मंकी ने ऐसे क्या किया होगा ताकि ये दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मंकी बोले कुछ तो स्मॉल है और कुछ तो बिग है, इसमें उसका बंटवारा कैसे होगा। तो मोटू मंकी कुछ तो लाए जिससे दोनों को इक्वल मिलेगा, तो क्या लाए होंगे ये आपको मुझे बताना है। क्या होगा? तराजू होगा, तराजू कैसे लिखता है, ऐसे दिखता है। ओके, इसमें छोटी सी कटोरिया होती है, इसमें आप रैबिट कैरेट्स रखिए और इसमें वज़न रखिए और दोनों को इक्वल कर लीजिए।
दोनों को इक्वल इक्वल मिलेगा, है ना। गेस एंड टेल व्हाट Guess and tell what Chotu monkey used to help Mickey Mouse draw a picture in the hand. वो मैंने आपको बताया, वो आपको करना है बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि कैसे मिकी उनको हेल्प करते हैं। तो छोटू मंकी ने क्या लाए होंगे, छोटू मंकी ने तराजू लाए होंगे। फाइंड आउट Your parents buy carrots for the how much? For the family. How much do they buy? How much do they buy at one time? तो एक समय पे बच्चों आपके डैड मॉम कितना buy करते हैं ये आपको बताना है। How much can Simran carry? How does the vegetable seller weigh the carrots? तो वेजिटेबल्स कैरेट्स कैसे, जो सेलर है वो कैसे आप तक वेट करते हैं। आपको पता है वो तराजू होता है, इसको दोनों तरफ से मापते हैं और फिर लेते हैं, ओके। तो इस तरह से ओके, तो हम ऐसे बोल रहे थे बच्चों कि हाउ मच कैन सिमरन कैरी, तो सिमरन कितना नीड करती है। उसके पेरेंट्स आते हैं तो कितने कैरेट्स लाते हैं, मैम हम तो 5 किलो लाते हैं, हम तो 3 किलो लाते हैं, हमारा बड़ा परिवार है। हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स, वो कैसे वेट करते हैं कैरेट्स को, वो आपको हमको बताना है। तो तराजू मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है बच्चों, वो आपको अच्छे से ड्रॉ करना है और आपके होमवर्क बुक में एक बार लिखना है। तो बस यही आपको समझना है, ओके। हाउ मच कैन सिमरन कैरी, कितना वो कैरी कर सकती है। सिमरन फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। तो सिमरन वांट्स द हेल्प, तो उनके डैडी कितना उठा पाएंगे, डैडी तो बड़े स्ट्रांग है, तो पापा तो 5-5 किलो का आटा भी उठा सकते हैं दो दो हाथ में, बट सिमरन तो छोटी है ना, सिमो तो एक केजी का उठा रही है। तो आपने पिक्चर में देखा, यस मैम, देखो ये छोटी सी है और उसके पापा अनगिनत चीज़ें उठा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे बच्चों, गेस विच बैग सिमरन कैन कैरी, गेस हु कैन कैरी व्हाट। हर फादर, उनके डैडी है, वो 5-5 किलो का आटा है, 6 किलो की दाल है, 7 किलो के राइस है, वो उठा पाएंगे। उनकी मम्मा 4 किलो का लीटर का कुकिंग ऑयल है, वो उठाएंगे, ठीक है, ये सब उठा पाएंगे। हर यंगर सिस्टर, वो 2 किलो का दाल या 1 किलो का घी उठा पाएंगे। कैन सिमरन कैरी एनी ऑफ द टू ऑफ दीज बैग्स टुगेदर, इफ येस विच वंस, कैन सिमरन कैरी एनी टू ऑफ दीज बैग्स टुगेदर, इफ येस विच वंस, कौन से कैरी करते हैं। तो वो कैरी करेंगे 2 kg कुकिंग ऑयल, इफ येस विच वंस, तो 2 kg का दाल, 2 kg का ऑयल वो कैरी करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डैड कितना 5 kg उठाएंगे, मम्मा कितना 3 kg उठाएंगे, बहन कितना 2 kg उठाएंगे, सिमू कितना उठाएगी 2 kg के ऑयल, 2 लीटर 2 kg का दाल, ऐसे उठा पाएंगे, वो आप लिख सकते हो।
फिर विच बैग्स कैन यू कैरी द गेस, मैं कौन से बैग्स कैरी कर सकती हूँ. आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ. एंड तो बड़ी मेहनत होती है बच्चों. मैच द पिक्चर ऑफ द पिक विद द थिंग इट कैन कैरी, तो वो तो बड़ी ये होती है. तो आपको यहाँ पे लिखना है आप क्या कैरी कर सकते हो, आपका पर्सनल, और ये क्या कैरी करेंगे. तो जो चिड़िया है वो फेदर ड्रॉ करेगी, ठीक है, दो मिनट के लिए बता दूँ आपको. फिर डॉग जो है वो बॉल, डोंकी है वो क्या करेंगे, शुगर, और ये हैवी से हैवी. तो ये आपको याद रखना है बच्चों, बस इसकी प्रैक्टिस करना 3 बार नोटबुक्स में. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय.